दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री के किंग खान यानी कि शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म जवान की सक्सेस को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। एसआरके की फिल्म जवान ने जहां भारत में 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर फिल्म ने 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। इसी बीच जवान एक्टर शाहरुख खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिल रही है, और जैसे ही उनको धमकी मिली इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उनको वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। दरअसल मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शाहरुख खान ने महाराष्ट्र सरकार को शिकायत दी थी कि उनकी फिल्म पठान और जवान के रिलीज होने के बाद से उन्हें जान से मारने की धमकी भरी कॉलें आ रही हैं। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने शाहरुख खान को धमकी भरे कॉल्स के बाद उनको वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि सरकार ने एक आईजी रैंक के अधिकारी को शाहरुख खान की सिक्योरिटी बढ़ाने का निर्देश दिया है। शाहरुख खान को दी जाने वाली सिक्योरिटी में 6 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और 5 पुलिसकर्मी हथियारों के साथ 24 घंटे शाहरुख खान के साथ रहेंगे। अभी बीते दिनों शाहरुख खान की जिंदगी में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आए थे उनके बेटे आर्यन को लेकर, जो कि एक ड्रग केस के मामले में फंसते हुए नजर आए थे, जिसमें समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। काफी मशक्कत करने के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है और सारे आरोप बेबुनियाद बताए हैं। इसके बाद सन 2023 की शुरुआत में शाहरुख खान की पठान मूवी आई थी, जिसने शाहरुख खान के डूबते करियर को बचा लिया और मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद कुछ दिनों पहले जवान रिलीज हुई थी, जो कि दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। अब वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान अब डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी में नजर आएंगे। ये फिल्म क्रिसमस पर रिलीज होने वाली है। शाहरुख खान पिछली बार फिल्म पठान में नजर आए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी।